मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में हस्तिनापुर के प्रमुख राजेंद्र से लाइसेंसी हथियार लेकर मिलने जा रहे 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि प्रमुख का बेटा मौके से भागने में सफल रहा। आरोपियों ने इस दौरान विरोध करने पर एक महिला पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी कर दी। दरअसल चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में शनिवार को 3 लोग जेल में बंद हस्तिनापुर प्रमुख राजेंद्र से मिलने जा रहे थे। बताया गया कि तीनों में से 2 आरोपी हस्तिनापुर थाने के हिस्ट्री शीटर है। इस दौरान जेल में अपनों से मिलने जा रहे एक महिला ने तीनों को लाइसेंसी हथियार के साथ देख लिया तो विरोध किया, जिस पर उन्होंने महिला पर फायरिंग कर जान से मारने का प्रयास किया। गोली चलने पर जेल में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ लिया और उसके पास से लाइसेंसी हथियार बरामद किए। वहीं पुलिस के पहुंचने पर प्रमुख का बेटा मौके से भाग निकला। पुलिस का मानना है कि हथियार प्रमुख के पास पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। सीओ सिविल लाइंस अरविंद चौरसिया का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही पड़ताल की जा रही है कि तीनों हथियार लेकर जेल में क्यों जा रहे थे। देखिए, आज सुबह 9 बजे करीब जेल पे मिलाए चार लोग पहुंचे थे जेल पे मिलाए करने। उनके वो लोग एक स्विफ्ट कार से थे। वहां पर लाइन में लगने के दौरान एक शबनम नाम की महिला जो कि प्रधान है भवनपुर थाना क्षेत्र की, उसके साथ और उसके देवर वर उसके साथ में थे, उनसे कहा सुनी हो गई थी। फिर इन लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उस समय चले गए थे। इस बात की सूचना उसने किसी से नहीं दी क्योंकि लड़ाई झगड़ा लाइन को लेकर के थी। और उसके बाद 11 बजे के करीब ये लड़के वहाँ पर वापस पहुँचे और इन्होंने जान से मारने की नीयत से फायर किया, और जिससे वो बाल बाल बची। और शोर मचने पर वहाँ पर तत्काल पुलिस भी मौजूद थी, तो वो तुरंत उनको कब्जे में लिया। 3 लोग पकड़ में आए, एक आदमी फरार होने में सफल रहा। ये तीनों जो पकड़े गए हैं, इनकी पूछताछ की गई। इनसे पता चला कि एक के पास पिस्टल है, उस पिस्टल को भी बरामद किया गया। और साथ ही साथ जो ये लड़के हैं, इनकी डिटेल से पता की गई, तो इसमें शौकेंद्र है जो हस्तिनापुर का है, जिसके खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज हैं। एक बिपिन है जो हस्तिनापुर का ही है रहने वाला, इसके खिलाफ 13 मुकदमे, दोनों हिस्ट्री शीटर हैं थाना हस्तिनापुर के। और साथ ही एक लड़का और इसमें शुभम चौधरी नाम का पकड़ा गया, जो किसी अपने साथी से मिलने आया था, जो इन्हीं के साथ स्विफ्ट में बैठ के आया था। तो गाड़ी भी बरामद की गई है जो इनकी है, और इनके साथ से पिस्टल बरामद किए। इन तीनों युवकों को हिरासत में लिया गया है। पुनीत है जो चौथा है थाना हस्तिनापुर का, वो फरार होने में सफल रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। और इनके शबनम की तहरीर पर इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है धारा 307 का, और इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, बताया जा रहा है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख से मिलने आए थे, क्या है इसमें जो पता चला है पूछताछ के दौरान, ये पता चला है कि पिस्टल कहां से आई। जब ये पता किया गया तो इसमें पता चला कि शौकेंद्र ने जो पिस्टल ली थी, वो पिस्टल एक पूर्व प्रमुख है, कोई जेल में बंद है जो किसी मामले में, उनके पास से ये इसने लिया था और उसी से मिलाई करने ये आया था आज। और इससे पूछताछ करने पता चला तो इसका कि क्यों तू पिस्टल लिया है, और पता किया गया तो ये 2 महीने पहले भी पिस्टल के मामले में ही जेल भेजा गया है थाना हस्तिनापुर पे। और इसका जो पिस्टल है, ये अपने को सेव करने के लिए बता रहा था कि इसके खिलाफ़ भी मुकदमे चूँकि 12 दर्ज हैं, उसमें मर्डर वगैरह के भी मुकदमे हैं, तो उसके लिए रखा था। लेकिन इसको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है।